हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है दिन मंडे और टाइम अभी मॉर्निंग का 5:30 बजे का ही टाइम है। और सबसे पहले उठने के बाद मैं ब्लाइंड्स को अप कर देती हूँ ताकि बाहर की लाइट अंदर आ सके और अच्छा खासा उजाला इस टाइम पर हो जाता है। और इनफैक्ट 6 बजे के आसपास तो अच्छी खासी धूप भी निकल आती है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ किचन में लंच की तैयारी। इनके ऑफिस के लिए मुझे लंच बनाना है, उसी की मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ बथुए की पूरी, बथुए का रायता एंड आलू और टमाटर की सब्जी। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर आटा निकाल लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, घी ऐड कर दिया है। और बथुए का जो मिक्सचर है वो मैंने रात से ही तैयार करके रखा हुआ है और वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और यहाँ पर मैं इसका एक बढ़िया सा डो तैयार कर लूँगी। देखिए, डो हमारा एकदम रेडी है और इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देते हैं। और अब बना लेते हैं रायता। रायते के लिए मैंने बथुए का थोड़ा सा मिक्सचर अलग से निकाल लिया था और यहाँ पर मैं फ्रेश घर की जमाई हुई दही यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। वैसे चाट मसाला ऑप्शनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रायते में इसका टेस्ट, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे थोड़ा सा दम देने के लिए, थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए, जायकेदार बनाने के लिए हम इसमें लगाएंगे तड़का। और यहाँ पर तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा चुटकी भर हींग और भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा साबुत खड़ा धनिया। इससे इसका टेस्ट, खड़े धनिया का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अब इसमें तड़का लगा लेते हैं और ये हमारा रायता बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब बारी आती है यहाँ पर आलू को पील करने की। आलू मेरे उबल चुके थे पहले ही, मैंने रात से ही, इनफैक्ट रात से ही मैंने उबाल कर रखे हुए थे और ये अच्छे खासे ठंडे हो चुके हैं और अब इन्हें पील कर लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो बस इन्हें पील करने के बाद इन्हें अच्छे से हम कट कर लेंगे। और आलू को इस तरीके से 4-5 घंटे पहले उबाल के रख लिया जाए और उसके बाद इन्हें पील करा जाए, तो इससे इनकी सब्जी और ज़्यादा टेस्टी, या फिर कुछ भी बनाया जाए आलू का तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और एकदम मैश्ड भी नहीं होते हैं आलू। एकदम गरम गरम उबाल के अगर हम उन्हें छील देते हैं तो वो बनाते हैं तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मैश्ड हो जाते हैं पोटैटो, तो वो खाने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं अक्सर इसी तरीके से किया करती हूँ कि 4-5 घंटे पहले आलू को उबाल लेती हूँ, उसके बाद ये सब प्रोसेस करती हूँ। और यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल के गर्म होने पर इसमें थोड़ा सा जीरा, खड़ा धनिया और हींग ऐड कर रही हूँ। और मैंने अब यहाँ पर ऐड कर दिया है टोमेटो और थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, वही बेसिक से मसाले और थोड़ा सा सब्जी मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। अनियन और गार्लिक मैं आज नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे आलू टमाटर की सब्जी में ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है टोमेटो और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और ये लीजिए, हमारी आलू टमाटर की जायकेदार सब्जी बनकर एकदम रेडी है। और नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर से इसे गार्निश कर लेते हैं। और अब बारी आती है पूरी बनाने की। और पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा लिया था, उसमें ऑयल को गर्म कर लिया है अच्छे से और अब मैं बथुए की पूरी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन, कितनी अच्छी लग रही है पूरी देखने में और ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और हेल्दी की तो बात ही क्या करें, ये मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बथुआ। और आज तो एक परफेक्ट कॉम्बो बन गया है, बथुए का रायता, बथुए की पूरी और साथ में आलू टमाटर की सब्जी। इसका कॉम्बो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली पूरी के साथ सब्जी आलू टमाटर की हो तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है।
मैं यहाँ पर इनकी प्लेट लगा दे रही हूँ और साथ ही साथ इनके ऑफिस के लिए लंच भी पैक कर देती हूँ। और यहाँ पर बच्चों की चल रही है थोड़ा सा स्टडी, और जैसे कि वैकेशन चल रही है तो बच्चों की स्टडी तो बिल्कुल होती ही नहीं है, पूरे दिन फन और मस्ती ही होती है। तो थोड़ी देर इस तरीके से उनको बैठा दिया है, और अर्नव तो शायद कुछ कर रहा है, बट माही का तो इसमें भी मस्ती ही सूझ रही है उसे, तो वो कम ही इस चीज़ को समझता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में, और डस्टिंग, झाड़ू वो सब मैं कर लूँगी, मॉपिंग वगैरह, डेली का हाउस होल्ड जो वर्क रहता है हम लेडीज़ का, वही सब मैं यहाँ पर अपना कर रही हूँ, क्लीनिंग वगैरह। और सर्दी के कंपैरिजन में आजकल समर सीजन में थोड़ा सा डस्ट ज़्यादा रहती है चीज़ों पर, तो इस तरीके से मैं दो टाइम डस्टिंग कर देती हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। बार बार करने के बावजूद भी थोड़ा सा डस्ट ऊपर से आ ही जाती है, क्योंकि बाहर से थोड़ा बहुत डोर वगैरह भी गर्मी रहती है तो खुला करना पड़ता है, तो उससे थोड़ा सा डस्ट आ जाती है। अगर दो टाइम ना करो तो फिर नेक्स्ट डे देखने में ये लगता है कि पता नहीं सदियों से, कितने सालों से ये साफ़ नहीं हुआ है, इतनी ज़्यादा डस्ट जम जाती है। और फिर टाइम ही कितना लगता है, हार्डली 5 to 10 मिनट ही लगता है, इतना काफ़ी है, इतने में बहुत सारा हम साफ़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अपना मॉपिंग स्टार्ट कर ले रही हूँ मैं। और आज थोड़ा सा मौसम बाहर बादल छाए हुए हैं तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है, अंदर भी शायद बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली बारिश हो ही जाया करती है, शाम को तो तीसरे या फिर 4 दिन में 3 दिन में बारिश हो ही जाती है, और वो भी इतनी खतरनाक भयानक वाली बारिश होती है कि मतलब 1-2 घंटा बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बारिश रहती है यहाँ पर, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि गर्मी का सीज़न है, बट गर्मी भी है बट बारिश जो है होती ही रहती है, इससे गर्मी का पता थोड़ा सा कम ही चलता है, और टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल ही है, ना ही सर्दी है ज्यादा और ना ही गर्मी है। बस क्लीनिंग का काम मेरा ऑलमोस्ट डन है, तो अब बढ़ते हैं किचन की तरफ। और किचन का हाल कुछ इस तरीके का है, किचन थोड़ा सा मैसी पड़ा हुआ है, और मॉर्निंग में जब इतना सारा खाना बनता है तो किचन थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा मैस किचन में फैल ही जाता है। तो बस इसी के साथ साथ इसे हम क्लीन कर लेते हैं, इंडक्शन को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। और आज बर्तन बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि हो ही जाता है, बर्तन थोड़े से थोड़े थोड़े करके बर्तन थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो इन्हें भी हम साथ ही साथ क्लीन करते हैं। और फिर बर्तनों को सिंक में रहना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जनरली सिंक में बर्तन रहते हैं, थोड़े बहुत तो रहते ही हैं, बट आज जो हैं थोड़े से ज़्यादा हैं, कोई नहीं, इन्हें वॉश कर लेते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को भी अब एंड करते हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।